महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर मुंब्रा कौसा के अस्पतालों का इलाज के लिए चक्कर लगाते हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम कलीम अहमद 38 वर्ष है। मुंब्रा के अलीशान थिएटर रोड फुर फिजा अपार्टमेंट में बी विंग 207 नंबर में कलीम अहमद अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहते थे, मगर कलीम अहमद डायबिटीज के मरीज थे। 9 मई को इनकी तबीयत बिगड़ी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसी इमारत में रहने वाले यूसुफ मेमन कलीम की तबीयत बिगड़ते देख उन्हें बुरहानी अस्पताल ले गए, मगर वहां डॉक्टरों ने कहा कि आईसीयू बंद है और स्टाफ भी नहीं है, कहीं और ले जाएं। जिसके बाद रहमानी अस्पताल लेकर जाया गया, मगर वहाँ भी यही बात कही गई कि आईसीयू बंद है, डॉक्टर नहीं है। वहाँ से कलीम को प्राइम क्रिटिकल अस्पताल लेकर पहुँचे, वहाँ यूसुफ मेमन से यही कहा गया कि आईसीयू बंद है, डॉक्टर स्टाफ नहीं है। और कलीम की हालत बिगड़ते ही जा रही थी, क्योंकि कलीम को सांस लेने में काफ़ी तकलीफें हो रही थी, इसलिए आईसीयू में रखना ज़रूरी था। मुंब्रा कौसा के अस्पतालों में आईसीयू बंद पड़े हैं, स्टाफ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मरीज को लेकर जाएं तो कहाँ जाएं। आनन फानन में ये लोग मरीज को लेकर ठाणे के सिविल अस्पताल पहुँचे, मगर वहाँ कोरोना मरीजों का इलाज होता है। फिर वहाँ से ये लोग जब शाम को 7 बजे कलवा शिवाजी अस्पताल पहुँचे तो वहाँ भर्ती तो किया गया, मगर जो कोरोना के आइसोलेट वार्ड 3 नंबर है वहाँ पर कलीम अहमद को रखा गया। कलीम की तबीयत बिगड़ते जा रही थी, उसे आईसीयू में रखना ज़रूरी था, मगर घंटों बीत गए, कोई भी किसी भी तरह का कलीम का इलाज नहीं शुरू किया गया। तरह तरह के कागज़ों की तैयारी घंटों तक चलती रही। एक बार नाम में गड़बड़ी भी हो गई, कलीम के जगह सलीम हो गया। अब और कुछ घंटे लग गए नाम को सुधारने के लिए, मगर मुंब्रा कौसा से अस्पतालों के इलाज के लिए चक्कर लगाते हुए तरह तरह से कागज़ों की तैयारी के बीच में ही आखिर उसी रात 9 मई को 11 बजे कलीम अहमद की मौत हो गई। हालांकि शव जिस तरह से कोरोना के मरीजों की पैक करके अस्पताल से सीधा कब्रिस्तान या शमशान भूमि ले जाया जाता है, उसी तरह से कलीम के शव को भी पैक करके अस्पताल से सीधा कब्रिस्तान ले जाया गया। यहाँ तक कि कलीम का चेहरा ना ही उसके 3 बच्चे देख सके और ना ही उसकी बीवी देख पाई। यूसुफ मेमन ने बताया कि कलीम का कोरोना टेस्ट भी किया गया है, रिपोर्ट अभी आना बाकी है। सुनिए यूसुफ मेमन जो मरीज को खुद लेकर अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे और कलवा शिवाजी अस्पताल में भर्ती करने के बाद घंटों इलाज के लिए कलीम तड़पते रहे और बिना इलाज के ही कलीम अहमद की मौत हो गई। पेशेंट का नाम इस्लामुद्दीन भाई कलीम अहमद था। कलीम अहमद जो हमारे इधर ही ऊपर हुरफिजा बिल्डिंग में रहते हैं 2 माले पे, इनकी तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी कि जिससे पेशेंट की मौत हो जाए। ये ज़रूर था कि इनका डायबिटीज़ हाई हो गया था, 450 के आसपास था। तो हम लोग ने करीबन 5:30 बजे उसको मुंब्रा के अंदर सबसे पहले तो बुरहानी हॉस्पिटल लेके गए, तो जहाँ पे वहाँ पे चेक किए तो उसका ऑक्सीजन लेवल जो था वो 40 के आसपास पहुँच गया था। तो हम लोग ने उनको फौरन बोले इनको आईसीयू में आप एडमिट कर लीजिए, लेकिन बुरहानी वाले लोग का बोलना ये था कि हमारे पास हमारा आईसीयू बंद है, हमारे पास कोई स्टाफ नहीं, आप यहाँ से लेके चले जाइए। फिर वहाँ से उठाया मैंने पेशेंट को गाड़ी में अपनी डाल के, फिर मैंने उनको रहमानिया लेके गया, रहमानिया हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पर भी वही पोजिशन थी, वहाँ पर भी उन्होंने पेशेंट को नहीं लिए, उन्होंने भी एक ही बात किए कि भाई हमारे पास आईसीयू बंद पड़ा हुआ है, स्टाफ नहीं है। फिर वहाँ से मैं प्राइम सिटी केयर लेके गया, वहाँ पर भी यही पोजिशन थी। लास्ट में मजबूर होकर मेरे को जो है उसको सिविल हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। करीबन ये सिलसिला 5:30 बजे से चालू था, मेरे को 7 बज गया सिविल हॉस्पिटल ले जाते। सिविल जब लेके गया तो वहाँ पे मालूम पड़ा कि कोविड के ही पेशेंट ले रहे, तो फिर मैंने उनको कलवा में ले जाकर एडमिट कराया। कलवा के हॉस्पिटल वाले लोग ने तो हद ही पार कर दी उसके अंदर सीधा उठा के उसको कोरोना आइसोलेशन सेंटर में डाल दिए, और वहाँ पे करीबन 1.5 से 2 घंटा सिर्फ टाइम पास करते रहे, क्योंकि जब उसका ऑक्सीजन लेवल गिरा हुआ था मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया,
कि इसको सबसे पहले वेंटिलेटर पे आप डालो, लेकिन उन लोगों ने खाली फॉर्म भरने के नाम पे, येलो येलो फॉर्म भरने के नाम पे और खाली बहाने के नाम पे 1.5 से 2 घंटा टाइम पास किए। 2 से 2.5 घंटे के बाद कुछ उसको हल्का सा इंजेक्शन वगैरह दिए और 10:30 से 11 बजे के टाइम पे उसका इंतकाल हो गया। आखिर इनको ऐसी बीमारी क्या थी, क्या ज्यादा दिन से ये बीमार थे? कुछ बीमार नहीं थे ये आदमी, बरोबर जो है अपना रोजमर्रा की जिंदगी में अपना रेगुलर काम करता था और अपने बाल बच्चों का पेट पालता था, अपने घर में कमाने वाला ये एक ही आदमी था। ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, ये था डायबिटीज थी इनको, लेकिन डायबिटीज थी लेकिन वो गोली बराबर अपनी ले रहे थे और चल रहे थे, ऐसा कोई मामला नहीं था। मैं तो बोलता हूँ कि मुमरा प्रशासन, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि प्रशासन जो है, प्रशासन सख्ती बरतना चाहिए। ये लोग मुमरा के अंदर हॉस्पिटल के नाम पे खेल कर रहे हैं और पेशेंट को ले नहीं रहे हैं, तो मुमरा के पेशेंट जाएगा किधर? आज तो ये पोजिशन हो गई हमारे मोहल्ले में, ये माहौल हो गया है कि लोग जो है हॉस्पिटल के नाम से जाने को डर रहे, कि सोच रहे घर पे ही या तो मौत आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुमरा के हॉस्पिटल में लेते नहीं है और कलवा के सरकारी हॉस्पिटल में बिना चेकिंग करे कोरोना आइसोलेशन सेंटर में डाल दे रहे पेशेंट को, जहां से पेशेंट मर के ही बाहर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको कि अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते जो है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते एक आदमी ने अपनी जान दे दी, एक परिवार खत्म हो गया? एक आदमी खत्म नहीं बोलूंगा मैं इसको, पूरा परिवार खत्म हो गया, क्योंकि घर का कमाने वाला वो एक ही बंदा था। और मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शक्ति अपना है और ऐसे लोगों पर, ऐसे हॉस्पिटलों पर FIR करे, और FIR करने के बाद जो FIR करने के बाद इनका लाइसेंस रद्द करे हमेशा के लिए, ताकि जो हादसा हमारे मोहल्ले में हमारे आदमियों के पास साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। कल फिर मैं कलवा हॉस्पिटल गया तो वहाँ के जो है सुपरवाइजर थे उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने क्या बोले, हमारे को कमिश्नर साहब का गाइडलाइंस है कि आप पेशेंट को कोरोना के हिसाब से ही ट्रीट करके डायरेक्ट आपके हाथ में बॉडी नहीं देंगे, एम्बुलेंस म्यूनसिपैलिटी की आएगी और डायरेक्ट उनको कब्रस्तान में बिना गुसल कराए, बिना जो अपना अंतिम हमारा जो रहता है वो करे बिना डायरेक्ट उनको कब्रस्तान में बॉडी को लेके जाया गया और डायरेक्ट दफनाया गया। तो क्या रिपोर्ट आई है उनकी? नहीं, अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं। ऐसे तो म्युनिसिपल के जो सुपरवाइजर थे वो हर चीज में कमिश्नर साहब की गाइडलाइंस की बात करते हैं, तो मैं तो कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइडलाइन की आप बात करते, हम भी कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कम से कम वहां पे आप अपना एक ऐसा बंदा बिठाइए जो पेशेंटों पे, जो पेशेंट आते हैं बड़ी उम्मीद लेके, क्योंकि अल्लाह ताला के बाद जो है पेशेंट का भरोसा सिर्फ डॉक्टर पे रहता है, तो वहां पे उनके साथ बदसुलूकी हो रही है और उनपे कोई ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो मैं कमिश्नर साहब से भी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पे कोई अपना अच्छा बंदा भिजाइए जो पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीट करे, और जो कोरोना में नहीं है उनको कोरोना के वार्ड में जबरदस्ती ढकेलने का काम ना करे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।